आगे बढ़ेंगे और अब बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के कोलकाता रेप एंड मर्डर कांड से जुड़ी हुई है। बड़ा अपडेट इस मामले को लेकर मिल रहा है। 22 अगस्त को अब इस मामले पर अगली सुनवाई की तारीख है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट तलब की है इस मामले में। 22 अगस्त सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल खुद ही इस मामले का संज्ञान लिया था और आज इस मामले को लेकर अहम सुनवाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स का भी गठन किया है डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए। ये टास्क फोर्स किस तरीके से आगे सेफ्टी सिक्योरिटी का इंतजाम करें, कैसे ये घटनाएं कम हो सकें, घट सकें और फिर पूरी तरह से रुक सकें, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बातों में कहा है। 22 अगस्त अब अगली तारीख दे दी गई है और साथ ही साथ सीबीआई जो इस मामले में जांच को आगे बढ़ा रही है, सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट भी तलब की है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट जब देश में अलग अलग इस तरह की घटनाओं को देख रहा था, सुन रहा था, कोलकाता की इस घटना के बाद देश भर में लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर था, तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही इस मामले का संज्ञान लेते हुए सुनवाई की तारीख रखी थी और अब अगली जो तारीख दी गई है वो 22 अगस्त दी गई है। डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए टास्क फोर्स के गठन की बात भी की गई है। रेप और मर्डर कांड को लेकर देश भर में चाहे वो मेडिकल स्टाफ हो, डॉक्टर्स हो या फिर आम लोग हो, हर कोई इस केस के सामने आने के बाद गुस्से में है और अब इस केस में इंसाफ की मांग भी हो रही है। डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए टास्क फोर्स के गठन की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है और इस खबर को लेकर अपडेट ये कि 22 तारीख यानी कि 22 अगस्त अगली तारीख है जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। रौनक दत्ता इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता रौनक। इधर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, 22 अगस्त अगली तारीख दे दी गई है, लेकिन खास ये कि सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। अभी तक की सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन क्या कह रही है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई के ऊपर पूरा देश का नजर था और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो जिस तरीके से ये सुनवाई किया गया, जो जो निर्देश दिया गया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर से, वो देखने के लायक है। क्योंकि बार बार से डॉक्टर्स की तरफ से जो मांग किया जा रहा था कि डॉक्टर्स का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इश्यू को लेकर बार बार से जो मांग किया जा रहा था, उसको लेकर ही आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक नेशनल टास्क फोर्स तैयार किया गया है। 9 मेंबर का ये नेशनल टास्क फोर्स, जिसमें जो 9 लोग हैं उसमें सर्जन वाइस एडमिरल आर के सरियन भी है, डॉक्टर रेड्डी है, डॉक्टर एम श्रीवास, डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति, डॉक्टर पुरी, डॉक्टर रावत, डॉक्टर अनिता सक्सेना, डॉक्टर पल्लवी, डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव, ये 9 लोगों का मेंबर का नेशनल टास्क फोर्स तैयार किया गया है। ये नेशनल टास्क फोर्स 2 हिस्सों में काम करेगा, 2 इशू में काम करेगा और 2 इशू का अंदर में आता है जो प्रिवेंटिव वायलेंस इंक्लूडिंग जेंडर बेस्ड वायलेंस अगेंस्ट मेडिकल प्रोफेशनल्स, इसके ऊपर काम करेगा ये नेशनल टास्क फोर्स। उसके साथ साथ ही प्रोवाइडिंग एनफोर्समेबल नेशनल प्रोटोकॉल फॉर रिस्पेक्टफुल एंड सेफ वर्किंग कंडीशन फॉर इंटर्न को सेफ काम करने के लिए जो पीसफुल कंडीशन होना चाहिए वो इंश्योर करने का काम, ये दोनों इशू के ऊपर काम करेगा ये नेशनल टास्क फोर्स। और ये नेशनल टास्क फोर्स को अगले 3 हफ्ते के अंदर ही एक इंटरिम रिपोर्ट देना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट के यह सुनवाई में डायरेक्टली कहा गया है कि ये जो 9 मेंबर का नेशनल टास्क से इनको अगले 3 हफ्ते के अंदर जो रिपोर्ट, वो रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा, इंटरिम रिपोर्ट होगा वो, और फाइनल रिपोर्ट जो है वो 2 महीने के अंदर सबमिट करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में। मगर सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ जो ये पूरा मामले में सीबीआई की तरफ से क्या जांच किया जा रहा है वो भी जानना चाहते हैं सीबीआई, और इसी वजह से सीबीआई का रिपोर्ट मांगा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीबीआई को जो स्टेटस रिपोर्ट है वो स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए बोला गया है। अगले 22 तारीख को फिर से सुप्रीम कोर्ट में ये मामले का सुनवाई होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आज पूरा देश का नज़र बने के रखे हुए थे, पूरा देश का नज़र था, जो डॉक्टर्स थे डॉक्टर्स का नज़र था, क्योंकि डॉक्टर्स की तरफ से बार बार से सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेकर मांग किया जा रहा था। और इसी मामले पर आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का ये जो इंसिडेंट, ये इंसिडेंट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का तरफ से जो बयान दिया गया है उसमें 2 पॉइंट आप देख सकते हैं। 2 पॉइंट जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरजी कौर का ये इंसिडेंट
डर फैलाता है, डर लगता है आरजी कौर का ये इंसिडेंट को देखकर। और सेकंड जो पॉइंट, आरजी कौर का ये इंसिडेंट दोबारा दूसरी जगह में ये इस तरीके का इंसिडेंट का वेट हम लोग नहीं कर सकते, यानी ये आरजी कौर का पूरे इंसिडेंट को लेकर जल्द से जल्द स्टेप लेना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट। और जल्द से जल्द स्टेप लेने के लिए ये नेशनल टास्क फोर्स का तैयार किया गया है। नेशनल टास्क फोर्स में जो 9 मेंबर रहेगा, वो 9 मेंबर को जो पूरा जो देश का हॉस्पिटल से जो हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स काम करते हैं वो हॉस्पिटल का ये 2 इशू मेंशन कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ये 2 इशू के ऊपर फोकस करना पड़ेगा और रिपोर्ट 3 हफ्ते के अंदर एक इंटरिम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ेगा और उसके साथ साथ ही सुप्रीम कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट देना पड़ेगा 2 महीने के अंदर। ये जो 2 इशू मेनली जो 2 इशू सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बोला गया है कि ये एनटीआर नेशनल टास्क फोर्स को देखना पड़ेगा, प्रिवेंटिंग वायलेंस इंक्लूडिंग जेंडर बेस्ड वायलेंस अगेंस्ट मेडिकल प्रोफेशनल, ये इसमें इसी इसके अंदर में बहुत सारे इशू को आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हाईलाइट किया गया है, जिसमें जो सिक्योरिटी पर्सनल है वो सिक्योरिटी पर्सनल कितना सिक्योरिटी कौन सा हॉस्पिटल में है, कौन से जगह में सिक्योरिटी रखा गया है, सीसीटीवी कैमरा कौन से जगह में है, इसके ऊपर नजर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश में साफ साफ कहा गया है कि जो डॉक्टर्स होगा, जो इंटर्न डॉक्टर होगा, उनके लिए अलग अलग रूम होना चाहिए, जो डॉक्टर्स रूम और जो रेस्ट रूम वो अलग होना चाहिए और हर जगह में सिक्योरिटी रहना चाहिए और पूरा जो हॉस्पिटल उस हॉस्पिटल में किसी भी जगह सीसीटीवी का एरिया के बाहर नहीं होना चाहिए, यानी हर जगह में सीसीटीवी रहना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई में बताया गया है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया है कि पूरा ये जो एनटीएफ की तरफ से जो काम किया जाएगा उसके ऊपर द कैबिनेट सेक्रेटरी टू द जीओआई, द होम सेक्रेटरी ऑफ जीओआई, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर, चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल मेडिकल कमीशन, प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल बोर्ड ऑफ कमीशन, ये भी ये एनटीएफ का मेंबर होगा, यानी 9 मेंबर के साथ साथ ही और भी 5 मेंबर को इंक्लूड किया है सुप्रीम कोर्ट ने, यानी पूरा आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का ये इंसिडेंट को लेकर जिस तरीके से लगातार देश भर में प्रोटेस्ट चल रहा था, डॉक्टर्स का डिमांड चल रहा था, डॉक्टर्स की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा था, उसको लेकर ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये सुनवाई किया गया। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का ये इंसिडेंट को लेकर बहुत सारे सवाल उठाया गया, पुलिस की तरफ से क्या इन्वेस्टिगेशन था, सीबीआई का क्या इन्वेस्टिगेशन सामने आ रहे हैं, क्या इससे देश की अंतरात्मा नहीं जागनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की इस तरह के केसेस को लेकर और फिर टास्क फोर्स के गठन की बात भी, जिसको लेकर रौनक लगातार अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और ये सब कुछ हुआ है देश भर में एक सुर में, जब डॉक्टर्स की मांग उठी, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे, उसके बाद ये इंतजाम करने की बात और ये टास्क फोर्स के गठन की बात सामने आ रही है रौनक। लेकिन अगर जांच सीबीआई जिस तरीके से कर रही है, अगर उसकी बात करें, माता पिता ट्रेनी डॉक्टर के, वो ये कह रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। जो संजय रॉय नाम का आरोपी है जो अभी कस्टडी में है, उसकी सास कह रही है कि ऐसी ही प्रवृत्ति का है, वो हिंसक है, लेकिन वो ये कह रही है कि ऐसा हो नहीं सकता कि अकेले इसने उस पूरी घटना को अंजाम दिया हो, कोई और भी इसके साथ मिला हो सकता है, बाकी अगर इसने किया है तो इसे फांसी पर लटका दीजिए, संबंध उससे बेहतर नहीं रहे हैं, ये सास कह रही है कि मेरी बेटी के साथ भी ऐसा ही था। अब ये बताइए सीबीआई जांच में क्या ये साफ हो पाया है कि रेप था या गैंग रेप था, संजय रॉय क्या अकेला था, या फिर क्या संजय रॉय किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है, क्या वो सिर्फ मोहरा है, ऐसी किसी भी बात से पर्दा हट पाया क्या? देखिए, सीबीआई का सूत्रों पर जो खबर मिल रहा है कि सीबीआई को ये इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सीबीआई को लगता है जो कोलकाता पुलिस की तरफ से जो ऑटोप्सी रिपोर्ट किया गया था, यानी पोस्टमार्टम किया गया था, वो पोस्टमार्टम में बहुत सारे जगह में मिसिंग है और इसी वजह से पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में कुछ जगह ऐसा है जिसको लेकर दुविधा में है सीबीआई ऑफिशियल। और इसी वजह से सीबीआई का सूत्र मार्फत जो खबर है कि सीबीआई का जो रिपोर्ट पेश किया जाए, उस रिपोर्ट में शायद इसका मेंशन भी हो सकता है कि जो पोस्टमार्टम किया गया था वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही तरीके से नहीं तैयार किया गया। और दूसरी तरफ सीबीआई का ये जो पूरा जांच, ये जांच में जो सर्कमटेंशियल एविडेंस कोलकाता पुलिस का हाथ लगा है और जो सर्कमटेंशियल एविडेंस अभी सीबीआई के पास है, उसी के आधार पर सीबीआई का ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है। सीबीआई के सूत्र मार्फत खबर है कि जिस टाइम का जिक्र कोलकाता पुलिस की तरफ से किया जा रहा था कि रात 10 बजे के आसपास संजय रॉय आरजी कौर मेडिकल कॉलेज में पहुंचे थे, ऐसा बयान
संजय रॉय ने कोलकाता पुलिस को दिया था, मगर सीबीआई का कहना है कि उस टाइम में अगर आरजी कौर में पहुंचेगा तो ठीक उसके एक घंटा पहले वो किस तरीके से साउथ कोलकाता में रह सकता है, क्योंकि साउथ कोलकाता का एक सीसीटीवी फुटेज जो कि कोलकाता पुलिस का ट्रैफिक गार्ड का सीसीटीवी फुटेज है, उस सीसीटीवी फुटेज में संजय रॉय का तस्वीर मिला है सीबीआई ऑफिशियल्स को। सीबीआई की तरफ से कोलकाता पुलिस का जो ट्रैफिक गार्ड का ऑफिस लाल बाजार में उधर भी विजिट किया गया था, वो सीसीटीवी फुटेज सीबीआई की तरफ से कलेक्ट भी किया गया है। और इसी बात को लेकर संजय राय का जो बयान, वो बयान जांचने के लिए संजय राय का पॉलीग्राफी टेस्ट किया जाएगा, ऐसा सीबीआई की तरफ से कहा जा रहा है। सीबीआई की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि संजय राय का जो बयान, वो बयान सही तरीके से वो दे रहा है कि नहीं। संजय राय का जो बयान कोलकाता पुलिस को दिया गया था और सीबीआई के पास जो बयान संजय राय ने दिया था, साइकोलॉजिकल टेस्ट की बात सामने आ रही थी, साइकोलॉजिकल टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट किस तरीके से अलग हैं और क्या पॉलीग्राफी टेस्ट में पूरा सच सामने आ जाएगा ये मानकर चलें। देखिए, साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है जब किसी का मेंटल स्टेबिलिटी जांचा जाता है, क्योंकि संजय राय जिस तरीके से बयान दे रहा था, संजय राय जिस तरीके से बात कर रहा था, पहले दिन जब कोलकाता पुलिस ने उनको अरेस्ट किया था, कोलकाता पुलिस का पहला जो इंट्रोगेशन, उसमें संजय राय ने कहा था मुझे फांसी में चढ़ना है तो फांसी में चढ़ा दो, यह सूत्र का हवाले से हम लोगों का खबर है। मगर इस तरीके का जो बयान संजय राय की तरफ से दिया जा रहा है, उस बात को लेकर संजय राय का मेंटल स्टेबिलिटी सही है कि नहीं, संजय राय का पॉलीग्राफी टेस्ट करवाने का जो परमिशन, वो मांगने के लिए मेंटल स्टेबिलिटी ठीक है कि नहीं, वो जांचना पड़ता है। और इसी वजह से जो दो साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट को सीबीआई की तरफ से बुलाया गया था, उनके तरफ से संजय राय का साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया गया, साइकोलॉजिकल असेसमेंट किया गया, जिसमें देखा गया संजय राय का जो मेंटल स्टेबिलिटी वो सही तरीके से है। और उसके बाद ही संजय राय का कंसर्न लेकर सीबीआई की तरफ से पॉलीग्राफिक जांच के लिए कोलकाता का जो सियालदा कोर्ट है उसमें अपील किया गया था। कोलकाता में सियालदा कोर्ट की तरफ से ये अपील को अप्रूव किया गया, सीबीआई को निर्देश दिया गया कि वो लोग चाहे तो संजय राय का पॉलीग्राफिक टेस्ट किया जा सकता है। पॉलीग्राफिक टेस्ट क्या होता है? पॉलीग्राफिक टेस्ट पहले तो दिल्ली में होता था, मगर अभी कोलकाता का जो नेशनल साइंटिफिक लेबोरेटरी है उधर भी पॉलीग्राफिक जो मशीन तैयार किया गया है, जिस मशीन के सामने बैठा कर वो सच बोल रहा है कि नहीं वो जांचा जाता है, जिसको हम लोग लाई डिटेक्टर मशीन भी कहते हैं। क्योंकि ये जो पूरा मामला, ये जो पूरा प्रोसीड्योर, ये प्रोसीड्योर में बहुत सारे तार शरीर में लगता है, पल्स रेट दिखा जाता है, उसका जो ब्लड प्रेशर वो भी दिखा जाता है, उसका जो पल्स रेट वो अप डाउन कर रहा है कि नहीं, उनका जो हार्ट बीट वो भी चेक किया जाता है। यानी ये पूरा जांच करने के लिए जो पूरा मेडिकल प्रोसीड्योर होता है, इसीलिए जो एक्यूज्ड है उनका कंसर्न होना चाहिए पूरा ये मामले में। वो अगर पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए कंसर्न होगा तो ही पॉलीग्राफिक टेस्ट किया जाएगा। और इसी वजह से उनका पहले तो कंसर्न लेटर में साइन किया गया, उसके बाद ही आज सियालदा कोर्ट में संजय राय को ले जा सकते सीबीआई, या तो वर्चुअल सुनानी भी हो सकता है, वर्चुअल माध्यम से संजय राय को प्रेजेंट भी कर सकते हैं सीबीआई सियालदा कोर्ट के सामने, जिस जगह में संजय राय का बयान देके कि वो उन्हें शुरू में बताया गया कि आपकी बेटी को चोट लगी है, फिर ये बताया गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, उन्होंने अपनी बेटी की बॉडी देखी तो मालूम हुआ ये सुसाइड तो कतई नहीं है, इस मामले को दबाने की कोशिश है। माता पिता ने ये भी कहा कि हमारी बच्ची यहाँ काम करना ही नहीं चाहती थी, क्या इसकी कोई वजह सामने आई है कि काम क्यों नहीं करना चाहती थी? क्योंकि गाहे बगाहे मानव तस्करी या बाकी चीज़ें या कई ऐसे राज यहाँ दबे थे जो वो जान गई थी, जो उजागर करने वाली थी, इसलिए ऐसा किया गया, तमाम तरह की बातें हैं जिन पर पब्लिक डोमेन में बात हो रही है। एकदम देखिए, बहुत सारे का सवाल अभी खड़ा हो रहा है ये पूरा घटना के बाद, क्योंकि माता पिता का जो बयान उसमें से साफ साफ है कि ये लड़की आरजी कौर में काम करना नहीं चाहती थी, ऐसा बयान माता पिता की तरफ से, विक्टिम के माता पिता की तरफ से दिया गया है। और इसको लेकर ही एक बार सवाल आता है कि क्यों ये करना नहीं चाहती थी, क्या इनके ऊपर कई अत्याचार होता था, क्या इनके मेंटल प्रेशर दिया जाता था इनको, क्या ये कुछ जान गई थी ये पूरा घटना को लेकर, ये सवाल क्यों आता है। 2001 साल में आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का बॉयज हॉस्टल से एक डेड बॉडी रिकवर होता है एक लड़के का,
वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट ही था। स्टूडेंट का जब डेड बॉडी रिकवर हुआ उसी टाइम में कैलकाटा हाई कोर्ट के सामने उनका जो माता पिता यानी जो विक्टिम है, विक्टिम का जो माता पिता, उनके तरफ से दावा किया गया ये सुसाइड नहीं, ये मर्डर है, क्योंकि उनका लड़के को मालूम पड़ गया था कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर पे सेक्स रैकेट चलता है, आरजीकर मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल के अंदर पे पोर्नोग्राफी का रैकेट चलता है, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो मेडिसिन, अगर इनमें सच्चाई है तो। और ऐसी ही कई बातें पब्लिक डोमेन में हो रहे हैं, यानी कि आग लगी होगी तभी धुआं उठ रहा है, यानी कि ऐसी कोई बात होगी तभी चर्चाएं इतनी ज्यादा है। नजर आप रखिएगा, जो भी इन्वेस्टिगेशन आगे चल रही है उससे जुड़ा जो भी अपडेट है आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया आपका। इसी खबर के साथ छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी खबरें